आ गया जी आ गया, छा गया जी छा गया, आ गया जी आ गया, छा गया जी छा गया। सब कुछ नवा नवा है, नवी सोच ते नवा समा है। सब कुछ नवा नवा है, नवी सोच ते नवा समा है। थोड़े संग एफएम, ए रंग एफएम। तुसी सुन रहे हो रंग एफएम। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रंग एफएम, जिंदगी के रंग उमा शर्मा के संग। आज दोस्तों हम इकट्ठे हुए हैं 31 दिसंबर 2023 साल का आखिरी दिन। हम सभी इस साल को मनाने के लिए बड़े जोशों खरोश से तैयारियां कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना, क्योंकि नया साल आने वाला है और हम चाहेंगे कि जिंदगी में नई उमंगों, नई तरंग हो, नए जोशो खराश हो, और जिंदगी जो है हमारी नए साल की खुशियों भरी हो। पर ये क्यों नहीं हम सोचते कि हमारा साल ही पूरा साल खुशियों भरा हो। आज 2023 जा रहा है, इस साल में बहुत सी हमें मीठी यादें मिली होंगी और खट्टी भी यादें मिली होंगी। खट्टी मीठी यादों का जो ये मिलन है, ये जिंदगी के रंग हैं। जिंदगी इसी को कहती है, सुख और दुख दोनों को मिलाकर जिंदगी है। सिर्फ सुख का नाम जिंदगी नहीं, सिर्फ दुख का नाम जिंदगी नहीं, जिंदगी के रंग कई रे साथी रे। सो आज जो ये हमारा 2023 जा रहा है, किसी को दुख मिला है तो सुखों ने भी उसे नवाजा होगा, अगर प्यार मिला है तो बेवफाई ने भी दामन थामा होगा। हम यही दुआ करते हैं कि जो आने वाला साल है, क्यों ना उसमें हम छोटी छोटी बातों पे अपने जीवन की खुशियां ढूंढें। ये साल तो आज हम मना के, आज की रात खूब मना के चले जाएंगे अपने अपने घरों में, लेकिन आगे जो आने वाले दिन है वो हर दिन हमारा खुशियों भरा क्यों ना हो। इसके लिए हम आज बात करने वाले हैं हमारे डॉक्टर हरवंदन कौर जी से, जो एमडी सेक्रेटरी है, और हमारे साथ हमें ये आज बताएंगी कि हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां कैसे ढूंढ सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब आपका, कि आज हमारे इस खास दिन में आप हमारे साथ हैं, और ये हम आपसे ही सुनेंगे कि हम जिंदगी को कैसे अच्छा बना सकेंगे, क्योंकि जो ये आजकल का दौर है ये एक मेंटल इलनेस वाला दौर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कोई गम नहीं है, चाहे वो बच्चा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई छोटा है, उसके दिमाग में प्रेशर तो है ही। तो इस दिमागी प्रेशर को दूर करके हम जिंदगी में खुशियां कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके लिए आपसे बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका यहाँ रंग एफएम में आने के लिए। थैंक यू मैम, एंड गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आपने बताया मैम, कि पहले तो मैं रंग एफएम का बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, आपके साथ एसोसिएट होके मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कम्युनिटी तक, समाज तक पहुंचना, उनका दर्द कम करना, उनको जानकारी देना एक टाइप का लक्ष्य है, एक पैशन है मेरा, जिसको आपके चैनल के द्वारा मैं पूरा कर पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। हमें भी बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ जुड़े हो और हम मिलके लोगों की भलाई कर सके, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। थैंक यू मैम। तो प्रश्न ये है कि ऐसा क्या हो जाता है कि आज तो हम बहुत खुश हैं, आज ज्यादातर लोगों का मूड पार्टी बनाने का होगा,
या नया साल को अलग अलग तरीके से बनाने का होगा। कोई पूजा पाठ में जरूर गुरुद्वारे मंदिर अपने चर्च जाएगा, कोई पार्टी जाएगा, कोई घर में फैमिली गेट टुगेदर होगा, पर माहौल कुल मिलके एक अच्छा होगा, खुशहाल होगा, खुशनुमा खुशनुमा होगा। खुशनुमा होगा। तो इसमें आगे बढ़ते हुए एक छोटी सी कविता लिखी है मैंने, जी, तो फरमाइए वो इरशाद। कविता मैं सुनाना चाहूंगी। जरूर। और जब भी कवि या कवित्री कोई कुछ लिखता है तो उसके पीछे उसकी भावनाएं जानना जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो क्या होता है कि कवि क्या कहना चाहता है और आप क्या समझते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर आ सकता है। जी तो जी कविता जो है उसका शीर्षक है, एक पन्ना ही तो पलटा है, कैलेंडर में एक जी पन्ना ही तो पलटा है। तो क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत सुख जी आज के दिन, पर कोई समस्या जो है हो सकता है सॉल्व भी हुई हो, प्लस माइनस तो चलता रहता है, बट मोटे तौर पर एवरेज चीजें वही हैं जहां थी। जी 30th को भी थी, 29th को भी थी, पर आज 31st को कुछ अलग हो गया। क्या अलग हुआ? हमारा जो फोकस है, हम अपने जो दिमाग का फोकस है वो सारा सकारात्मक चीजों के ऊपर डालते हैं, जी और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कोई त्योहार आए, कोई जैसे न्यू ईयर अभी आ रहा है, मना रहे हैं, तो इस समय पर ज्यादातर लोग, आप यू विल फाइंड कि वो हैप्पी हैं दे आर, पर हम जी हमेशा ज्यादातर मानसिक बीमारियों के बारे में इसलिए बात करते हैं, ये नहीं कि हमें फैलाना है, इसलिए कि रोकथाम करना है, लोगों को जानकारी नहीं है। पर इसके साथ हमें लोगों को ये ज्ञान भी देना है कि हम खुशहाल कैसे रह सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम खुशहाल रह ही नहीं सकते हैं। तो इसमें पहले एक छोटी सी कविता मैं आपके जी सामने बताना चाहूंगी, सुनाना चाहूंगी बिल्कुल दर्शकों को, बिल्कुल और जरूर। फिर हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। जी जरूर। एक पन्ना ही तो पलटा है, एक और पन्ना पलटा, तो फिर नया साल आया, जिंदगी की कश्मकश को थोड़ा हमने भुलाया। वैसे तो जख्म बहुत हैं, खफा भी हूं तुमसे जिंदगी, पर प्यार से तुम मुझे मना ही लेती हो। एक पन्ना बदलने के साथ तुम मुझे मना ही लेती हो, बैठे वाले आंसुओं को छुपा ही लेती हो, बहुत वापस खूब। की एक हल्की सी मुस्कुराहट, फिर खिलकर हंसी, फिर हंसते हंसते वो आंसू तुम उन्हें निकाल भी देती हो, फिर बाद में पता चलता है एक पन्ना ही तो पलटा था, क्यों रोज इस तरह एक-एक दिन, क्यों रोज इस तरह एक-एक दिन पन्ना बदल कर बिताएं, जिंदगी को गले लगाएं, ऊपर नीचे होती ही लहरों को सहराएं, क्या और खुशियां फैलाएं, तो जिंदगी के सही मायने में मजे उड़ाएं। ना गम का बादल अति अत्यधिक घना हो जाए, ना गम भुलाने के लिए हम नशा पी जाएं, खुशियों को के रंग हमेशा रहे हमारे संग। क्या करना है, बस एक
पन्ना ही पलटना है, बस एक पन्ना ही पलटना है। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत मैम, बहुत अच्छे शब्द। वाकई जिंदगी का भी एक पन्ना ही पलटता है। जब दुख और सुख में आदमी बदलता है, दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, तो जिंदगी का एक पन्ना ही तो पलटा है। तो उस पन्ने पलटने के बाद हमें अपने आप को उसी सिचुएशन में हम रखें जैसे हम कल थे, तो शायद हमारी जो ये दुख की भाषा है, दुख की परिभाषा है, वो ही बदल जाए। धन्यवाद। तो ये बहुत अच्छी कविता है। अगर हम जिंदगी को ऐसे ही लें कि जिंदगी का एक पन्ना ही पलटा है, तो शायद दुख आए ना। तो अगर दुख और सुख में अंतर हमें पता चल जाता है, तो वाकया ही हम दुख को सुख में विलीन कर लेते हैं और सुख को दुख में विलीन कर लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है आपने जो आज जनता को नए साल में ये कविता सुनाई है। आशा है कि सब लोग इसको गौर से सुनेंगे दोबारा और इसको अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सोचें कि हम अपनी जिंदगी की जो परिभाषा है, या जिंदगी ही मान लो, इसमें हैप्पीनेस चीज क्या है? हैप्पीनेस किसको कहते हैं? हैप्पीनेस एक इमोशन है, भावना है। जी तो भावनाएं सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। बेसिकली इंसान को नॉर्मल रहने के लिए तो हमें इन दोनों चीजों को बैलेंस में रखना है, क्योंकि कुदरत ने जो चीज दी है, हर एक भावना का अपना महत्व है। तो पहले जी हमें तो रिस्पेक्ट करना है हमारे सारे इमोशंस, जी और फिर हमें देखना है कि क्योंकि कुछ कारणों से जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी डिस्कस करेंगे कि मानसिक तनाव क्यों बढ़ रहा है, पर फिलहाल आज के दिन हम इसे रख देंगे दूर और हम खुशी पे जाएंगे। सिर्फ सिर्फ खुशियां ही ढूंढेंगे आज के दिन। जो भावना है, तो जो मेन चार चीजें इसमें आती हैं वो है जॉय यानी कि खुशी, फिर उसके बाद है सैटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलना। जी संतुष्टि तो एक्चुअली खुशी के भी ऊपर होती है कि आपको अंदर मन में लगता है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ पाया। फिर हम कंटेंटमेंट, जिसमें दोनों बराबर, खुशी और संतुष्टि दोनों बराबर होते हैं, और फिर जी फुलफिलमेंट, जो हम कोशिश कर रहे हैं आज कि हम जी समाज के लिए क्या करते हैं। अपने लिए तो हर कोई कुछ करता है, पर जब आप जी किसी और के लिए बिना कुछ वापस अगर आप सोचें कि भी हाँ मैं ये कर रही हूं तो मुझे ये मिलेगा, ये तो नॉर्मल जिंदगी है। पर अगर आपका भाव ऐसा हो कि मैं किसी को खुशी दूं और मुझे पता भी नहीं कि इससे किसको खुशी मिल रही है, किसकी जिंदगी में फर्क पड़ रहा है, पर कहीं तो किसी को पड़ रहा होगा, ऐसी भावना, ऐसी इच्छा से अगर मैं कोई कार्य करूं तो उसे इतनी इतनी मतलब अंदर से आपकी आत्मा, जो रूह कहते हैं ना, रूह से जो खुशी मिलती है, वो खुशी भी, मतलब ये चार मेजर टाइप की बहुत जी बहुत हैं हमारे पास। मैं शायद सिर्फ अगर एक स्नैपशॉट अगर आप लोग ले सकें तो मेजर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव इमोशंस हैं, पर पॉजिटिव जी जो है, जो चार चीजें जिससे मेन हमें हैप्पीनेस मिलती है, वो ये चार चीजें होती जी हैं। अब पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये मार्टिन सेलिजमैन, हमें वैसे याद तो नाम रखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें सिर्फ सीखना है कि हम खुशहाल कैसे रहें, पर मुझे लगता है कि जिस इंसान ने इतना बड़ा काम किया है उसे हमें इज्जत तो बख्शनी चाहिए जरूर। जी उन्होंने हमें ये मॉडल दिया जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में, या
करना मतलब, क्योंकि सब साइकोलॉजिस्ट नहीं है, सबका ये बैकग्राउंड नहीं है, तो कुछ चीजें ऐसे इस प्रकार से हम लोगों को दें कि उनके भी ये खत्म होने के बाद भी उनके मन में ये चीज उनके जहन में रहे, भूले ना हो जी उसे। तो उसे हम बोलते हैं परमा मॉडल। तो परमानंद जी परमा में जो पी होता है वो होता है पॉजिटिव इमोशन। अगर लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, पॉजिटिव इमोशन जो मैंने अभी आपको बताया, यानी कि जी सकारात्मक भावनाएं। ऐसा जी नहीं है कि मैं बोल रही हूं कि कभी किसी को दुख हो, महसूस ही ना हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। जो कुदरत में है वो सब हमको भोगना है, पर हमारे को बैलेंस रख के भोगना है। तो ये नकारात्मक और ये सकारात्मक, ये नहीं चलेगा, ये हो या ये हो थोड़ा या ये हो, तो इससे जिंदगी ये आसान हो चलेगा जाती है। तो दूसरा है हमारा एंगेजमेंट। हम कभी कभी, हम सब ने ये देखा होगा कि किस जो काम हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी हॉबीज, हमारी क्रिएटिविटी, कभी हम वो करने लगते हैं तो समय कैसे ही बीत जाता है, हमें पता नहीं चलता, पता ही और नहीं। एकदम पता चलता है अरे इतना टाइम निकल गया। तो यही कुछ हॉबीज, कुछ ऐसी चीजें हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में और अपनानी पड़ेंगी, और ऐसा कोई नहीं है जिसमें कुछ गुण नहीं है। ये सिर्फ ऐसा है कि आप अपने गुण ढूंढ नहीं पाए, या आपको पता है तो आपने उनके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, मेहनत नहीं की, पर ये उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितनी कि आपकी कैरियर, जो बच्चों में पढ़ाई है और बड़ों में काम है। क्योंकि पढ़ाई, आपका कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें ये ऑल्सो डिपेंड होती हैं कि आप कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं, कितने खुशी से पढ़ रहे हैं, कितने खुशी से काम कर रहे हैं। अगर इनपुट पॉजिटिव वे में जाएगा तो आउटपुट भी पॉजिटिव वे में आएगा। तो ऐसी चीजें सब में, सब अपनी चीजें, जो कोई म्यूजिक है, कोई संगीत है, कोई गाना गा सकता है, किसी को गार्डनिंग से मिलती है, कोई नेचर में जा सकता है, तो किसी चीज को तो हमें अपनाना पड़ेगा। अगर हम बोले कि जी नहीं बस हमने या तो पढ़ना है या फिर कुछ नहीं करना, या फिर काम ही करना है ऑफिस और कुछ नहीं करना, तो फिर क्या है कि वो जो बीच का टाइम आता है जहाँ कुछ भी नहीं है ना, तो फिर ये दिमाग, मैं आगे बताऊंगी कि फितरत क्यों है कि वो नकारात्मक नेगेटिव चीज में जाके आपको टेंशन की तरफ ही खींचेगा। तो ये हमें जरूर समझना है कि हमें अपना टाइम जो है वो सकारात्मक चीजों में निकालना है। जी फिर आर है रिलेशनशिप्स, और हम सोशल एनिमल हैं। जी आज क्या हो गया है कि भरी पार्टी में भी अकेले ही हैं शायद हम। मंगल ग्रह में जीवन है कि नहीं वो ढूंढने पे हम निकले हैं। जीवन में मंगल है कि नहीं उसके लिए टाइम नहीं है नहीं हमारे है पास। तो हमें बहुत अपनी खुद फैमिली, का फ्रेंड्स, क्योंकि एक उम्र होती है ना जिसमें सिमिलर, ऐसा भी नहीं है कि कोई अलग उम्र वाले भी सिमिलर थिंकिंग या ऐसे नहीं होती है उनमें। बहुत लोगों के साथ, आप बहुत छोटे बच्चों के साथ या बहुत बड़े लोगों के साथ भी आपका बड़ा तालमेल बन जाता है, पर जिनके साथ आप ग्रो अप करे हैं ना, जिनके साथ वो मेमोरीज तो और किसी के साथ नहीं हो सकती। मेमोरीज, पॉजिटिव, वो मस्तियाँ, वो केयर फ्री डेज, वो भी तो जरूरी है, उनको भी तो ताजा जी रखना है। तो एक कविता और लिखी है मैंने कि हे पेरेंट्स, वर यू एवर किड्स। क्योंकि हम बड़े होके भूल जाते हैं कि बचपन में हमने कितना बचपना किया है,
और फिर हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि कुछ कि मतलब वो हमारी तरह एकदम मेच्योर हो जाए, और ये एक बहुत बड़ा तनाव है और बहुत बड़ा कारण है पेरेंट्स और चिल्ड्रन इश्यूज आने में। और किड्स जो हैं उनको हमने टाइम देना, उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें टाइम दे चाहिए होता है, समय। और आज की दुनिया में तो जो बेस्ट गिफ्ट है ना, अगर आप किसी को दे सकते हैं, वो समय वो समय है। तो गुलजार की एक बहुत अच्छी मुझे ना शायर एक शायरी याद आ रही है। उसने कहा मैं दोस्त हूँ, उसने कहा मैं दोस्त हूँ, उसके बाद मैंने कभी नहीं कहा मैं व्यस्त हूँ, क्योंकि टाइम इज प्रायोरिटी। बिल्कुल किस चीज को आप प्रायोरिटाइज करते हैं उस चीज को आप टाइम देने वाले हैं। तो अगर आप फ्रेंडशिप को, रिलेशनशिप्स को टाइम देंगे तो यही है खट्टी मीठी बातें जो आपकी जिंदगी में आपको खुशियां दे सकती हैं। जी तो एम है मैनेजमेंट, और इस मैनेजमेंट में बहुत 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 चीजों को हमने मैनेज करना है, और इस मैनेजमेंट में हमने कैसे मैनेज करना है वो है हमारी प्रायोरिटीज। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है, चाहते क्या है हम। जी अगर हमें ये नहीं पता कि हम क्या चाहते हैं तो हम उस चीज में टाइम बिताएंगे जिस चीज में हमें उतनी खुशी नहीं मिलती है, एज कंपेयर टू वो चीजें जो हम चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं। कई लोगों को दे आर लकी दे नो, कई लोगों को ढूंढना पड़ता है, पर अगर आप ढूंढेंगे तो आपको आपका पर्पस मिल ही जाएगा। तो हमें अपनी जिंदगी का लक्ष्य ढूंढना है। ज्यादातर क्या होता है कि स्कूल में तो सबने पढ़ना है, ठीक है, उसके बाद जब जब लक्ष्य जहां हम चूक कर जाते हैं वो है कैरियर और रिलेशनशिप्स। अब कैरियर हम कैसे चूज करते हैं कि किसमें ज्यादा पैसा मिल रहा है हम उसे ले लें, तो पर मेरा इंटरेस्ट किसमें है, क्योंकि ये मेरी सेकेंड लाइफ है, माय कैरियर इज माय सेकेंड लाइफ। जी तो अगर आपने अपनी पूरी सेकेंड लाइफ उस चीज में बिता दी जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि इसमें ज्यादा पैसे हैं, तो आप हल्की और थोड़ी सी खुशी, ऐसा एक गाना है बर्फी पिक्चर का, तो वो थोड़ी सी भी खुशी नहीं खरीद पाएंगे आप। थोड़ी देर हो सकता है अच्छा भला बंगलो ये सब आपको अच्छा लगे, पर बाद में ये सारी चीजें हमें खुशी नहीं देती, संतुष्टि नहीं देती, और फिर उसके बाद एक एक पश्चाताप आता है, और उस पश्चाताप के साथ तनाव आता है। इसी तरह कई कई बार रिलेशनशिप्स में जैसे लोग आते हैं मेरे पास, दे मैरी फॉर मनी और दे मैरी फॉर लुक्स, ये सारी टेम्पररी चीजें होती हैं। आपकी पर्सनालिटी कितनी मीट करती है, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना मीट करता है, कितनी आपकी हॉबीज मीट करती हैं। अब अगर हम बिल्कुल ही, हाँ ऑपोजिट्स ऑल्सो अट्रैक्ट, ऐसा नहीं है, पर अगर हमारे में कुछ कॉमन नहीं है कुछ बोलने के लिए, तो फिर थोड़ी देर के बाद इतना सन्नाटा हो जाएगा कि वो सन्नाटा हमें खाने लग जाएगा। जी और लास्ट है ए अकम्प्लिशमेंट्स, छोटी सी भी चीज आपने कुछ जिंदगी में की है ना, तो पैट योर बैक, खुद को प्यार करें। अगर खुद के लिए ही आपके मन में एक प्यार नहीं है या कुछ हीन भावना है तो फिर कैसे खुशी मिल सकती है। आज के जमाने में ये सोचना कि कोई आपको ये आपको
दे विल यू नो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू या आपको सराहेंगे या आपकी अचीवमेंट्स में शामिल होंगे, वास्तव में थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं हम लोग। तो आजकल ऐसा हो गया है रिलेशनशिप्स में, फ्रेंड्स में, कि एक हाथ पे जो पांच उंगलियां हैं, अगर इन पांच उंगलियों को हम काउंट करें और हमारे पास ऐसे फ्रेंड्स हों कि मतलब जो कभी भी दिन रात हमारे लिए अवेलेबल हो, चाहे खुशी हो चाहे गम हो, तो ये सोचिए भगवान का शुक्राना करिए कि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। तो खुद से दोस्ती करना प्यार करना, इट इज नॉट सेल्फिश। जब आप खुद को प्यार करेंगे, अंदर से खुश होंगे, तभी तो आप खुशियां बिखेर सकेंगे। बिल्कुल। आई एम कॉन्फिडेंट, मेरा सेल्फ एस्टीम अच्छा है, लो नहीं है, तो मुझे आपको आपको कंग्रेचुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मेरे अंदर हीन भावना है तो मैं आपको कुछ अच्छा बोलने में कतराऊंगी। तो ये भी हमने सीखना है कि खुशहाल होने के लिए हमको अपनी हर एक छोटी बड़ी जो खुशी है, जो हमने अचीवमेंट ली है, उसको इम्पोर्टेंस देनी है। अब हवा में अगर हम बात करें ना, तो ये नहीं पॉसिबल होता कि हम हर चीज को याद कर सकें। तो एक छोटी सी ग्रैटिट्यूड जर्नल बना लीजिए, जिसमें रोजाना के एटलीस्ट तीन चीजें तो आप लिख सकते हैं जो आपने अकम्प्लिश की, जिसके लिए आप भगवान को या जिसमें भी मानते हैं उसको थैंक यू तो कह सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट एटीट्यूड। और एटीट्यूड यानी क्या, अगर हम हिंदी में ले तो नजरिया है। तो नजरिए बदलने से नजारे बदल जाते हैं, नजरिए बदलने से नजारे बदल जाते हैं, किश्ती नहीं बदलती, किनारे बदल जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर हम इन्हें अपनाएं, और ये इतनी मुश्किल भी नहीं है, आस्ते आस्ते हम इन्हें अपना ही सकते हैं। तो हमें सिर्फ एक रेजोल्यूशन बनाना है इस ईयर में कि अपना माइंडसेट, अपना जो नजरिया है, उसको आस्ते आस्ते सकारात्मक बनाए। इसमें एक गाना मैंने सुना था, उसमें उसने कहा था कि उतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे। तो बस यही लाइफ में अगर फंडा लेके चले कि उसका उतना ही उपकार बहुत है जितना जिसने आपका साथ निभा दिया, जितना भी निभाया है, चाहे थोड़ा है या ज्यादा है, उसमें आपको दुख नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो बस फिर आपकी लाइफ जो है वो वाकई ही खुश खुशहाल होगी और आप खुशनुमा रहेंगे हर समय। आजकल आपने जितनी भी बातें की है उनसे यही महसूस होता है कि हम किसी को प्यार करते हैं, अगला थोड़ी देर तो प्यार के बदले प्यार देता है, लेकिन फिर धीरे 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 आपसे कोई दूरी बनाता चला जाता है। तो वो उसकी कोई अपनी प्रॉब्लम होगी, अपनी परेशानी होगी। तो हमारी जो सोसाइटी है ना, मेरा ख्याल में समाज में ये ज्यादा सोच के जो लोग हैं वो परेशान रहते हैं कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों किया, वही उसको कोई परेशानी होगी, उसकी कोई मजबूरी होगी, उसने कर दिया, चलो जितना साथ निभा दिया उतना ही बहुत है। बहुत है। और तो फिर इसको लेकर आपने जो बात की, ये तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है आप एडल्ट्स की बात कर रहे हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो रिलेशनशिप्स में अब अर्ली जा रहे हैं, क्योंकि जमाना बदल रहा है जी। तो हमें पहली बात तो ऐसा है कि एज पेरेंट्स हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जमाना बदल रहा है। हम भी जब थे ना एडोलसेंस, तब भी हमारे पेरेंट्स को लगता था कि जमाना बदल रहा है। तो लेकिन अब तो वाकई ही जमाना बदल रहा है, दुनिया ही बदल रही है, दुनिया ही बदल गई है, एक्चुअली में दुनिया बदल गई जी। तो हम अगर अपने बच्चों को हौसला दें, सपोर्ट दें,
ना कि उनको नकारात्मकता दें, नकारात्मक बोलें, बुरा बोलें, उनसे प्यार से बात करें। थोड़ा समय ज्यादा हमें देना पड़े तो भी दें, क्योंकि वो बच्चे तो हमारे ही है ना, हमारा ही तो फ्यूचर है। तो घर में भी, और घर घर ही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी इज फैमिली, घर से ही शुरुआत होगा, या सुख या दुख या तनाव या खुशी। तो ये चीजें भी मैं इस मन से, हालांकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों से बातें निकलती हैं, तो मैं ये जरूर पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी कि अपने बच्चों को नकारिए मत, उनको स्वीकार कीजिए, उनको समझाइए, उनको प्यार दीजिए। क्योंकि कहीं कहीं तो विद बोथ पेरेंट्स वर्किंग, उनको वो टाइम नहीं मिला जो हमें मिला है अपने पेरेंट्स। तो कुछ सोच उससे भी चेंज आने ही वाले हैं। तो इस चीज को समझते हुए, बच्चे खुश, एक टाइम के बाद क्या चाहिए होता है इंसान को, अपने बच्चे की खुशी। और ये अगर खुशी आपके घर में है तो आपने ज्यादातर खुशहाल ही रहना है। बिल्कुल, ये जिंदगी बहुत छोटी है, पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं ये काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और परसों आए या ना आए हमें ये कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि समेट लो उन नाजुक पलों को, समेट लो उन नाजुक पलों को, ना जाने ये लम्हे कल हो ना हो, ना जाने ये लम्हे कल हो ना हो भी ये लम्हे क्या मालूम, हो भी ये लम्हे क्या मालूम, शामिल उन पलों में हम हो ना हो। ये कभी किसी को नहीं पता कि अगले पल में क्या होना है। तो अगर जिंदगी को खुशहाल बनाना है तो आपने जो ये फंडे बताए हैं जिंदगी के, मैं आशा करती हूं कि वो लोग इनको समझें, अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो मैम, आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, नए साल में अपने वो जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं और छोटी छोटी खुशियां जिंदगी में कैसे ढूंढें, जो बिल्कुल आजकल के जो बच्चे हैं उनकी इच्छाएं, दे वांट टू अचीव वेरी फास्ट। जैसे हम तो अपने आप को, हमारे माँ बाप तो अभी भी हमें बच्चे ही मानेंगे, पर आजकल के बच्चे बोलते हैं मैं तो 18 साल का हो गया हूँ, हाउ कैन यू, हाउ कैन यू नॉट। तो दो चीजें हैं, अगर तो आपने अपने आप को, आपने डिसीजन खुद लिया, तो प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। ठीक है, माँ बाप आपका साथ तो कभी छोड़ने वाले नहीं हैं, आपकी मदद तो जरूर करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि मैं जो ले रहा हूँ उस डिसीजन, उसके प्रोस कॉन्स बैठ के सोचिए, चाहे तो डिस्कस भी कीजिए, डिस्कस करिए। कम्युनिकेशन इश्यूज, प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुकी हैं घरों में, माँ बाप के पास टाइम नहीं, और इसका एक कारण मोबाइल भी है। तो एटलीस्ट लॉक इट आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, डिनर टाइम पे नहीं होना चाहिए और उसके बाद लॉक ही रहना चाहिए, अनलेस आपका पेशा ऐसा है, यू आर अ डॉक्टर, यू कैन गेट अ कॉल, तो वो फिर दैट इज अ डिफरेंट इश्यू, वो सिर्फ उसके लिए हो रखिए। अदरवाइज कुछ समय तो देना पड़ेगा ना आपको, बच्चों को। उसका दिनचर्या कैसे गया, क्या कुछ उसको कुछ हर्ट किया, वो कुछ ने उसने उसने अचीव किया जो आपको बताना चाहता है, खुशी शेयर करना चाहता है, पर सारे ही लगे हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। तो बच्चों को मैं सही समझाना चाहूंगी कि जिंदगी में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में हैं, तो कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो उसके लिए हमें, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, वी शुड नो क्या हमारे कंट्रोल में है, क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हम वो चीज के पीछे पड़ ही जाए हाथ धो के जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो फिर तो तनाव आना ही आना है। और उसके बाद हम बच्चों को हमें सिखाना है, और उन्होंने इस चीज को समझना है, जो कि बहुत
ओल्ड बट इट इज अ मतलब आई कीप इट इन माय क्लिनिक बिकॉज इट मेक्स सो मच सेंस कि हे भगवान हे ईश्वर मुझे वो क्षमता मतलब दे कि वो चीजें जो मैं बदल सकता हूँ उन्हें मैं बदल पाऊँ कोशिश करूँ जो नहीं बदल सकता उन्हें स्वीकार लूँ क्योंकि इतनी मेच्योरिटी नहीं होती हम सब चीजें ही सॉल्व करना चाहते हैं हमें लगता है कि एवरीथिंग इज वी कैन यू नो एक जो एड्रेनलिन रश होता है ना हार्मोनल उसमें लगता है कि हाँ एवरीथिंग इज इन माय हैंड एवरीथिंग इज इन माय पावर आई एम वेरी पावरफुल बट ऐसा नहीं है तो जो चीजें मैं नहीं कंट्रोल कर सकता जो मेरे हाथ में नहीं है उन्हें मैं स्वीकार लूं और इन दोनों चीजों की बीच का अंतर जानने की मुझे बुद्धि दे दे सो दिस इज जी द कोट आई रियली लव क्योंकि इस एक कोट से बहुत बहुत तनाव कम हो सकता है बहुत बहुत आपकी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं आप उनसे डील कर सकते हैं और अगर तनाव कम है तो जाहिर सी बात है आप खुश हैं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि अगर हम कर सकते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ही हैं तो उसको पूरा करें, नहीं ले सकते तो गलती स्वीकारें। अगर ये दो चीजें ही जिंदगी में हम कर लें तो वाकई हमारी जिंदगी में फिर कोई नकारात्मक जो हमारे भाव है हमारी लाइफ में आएंगे ही नहीं। तो हाँ जी ये नया साल में आपने बच्चों को, लोगों को बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं, और मैं आशा करती हूँ कि ये जो नया साल है 2024 हम सब के लिए अच्छा हो, खुशियों भरा हो, नई तरंगे नई उमंगे लेके आए। हर साल आता है, हर साल जाता है, इस साल ये जो नया साल है ये आप सब के लिए वो लाए जो आपका दिल चाहता है। तो परमात्मा आप सबको ये नया साल में आपको इतनी खुशी दे कि आपकी जो जीवन रूपी बगिया है वो उस खुशी में महकती रहे और सुगंध बिखेरती रहे। और सबके लिए यही मनोकामना, यही दुआ और यही आशीर्वाद बच्चों के लिए, यही ब्लेसिंग्स हैं कि जो नया साल है सबके लिए खुशियों भरा हो, किसी को भी कोई गम किसी के नजदीक ना आए। नए रंग में नई उमंगे, नए रंग में नई उमंगे, आंखों में उल्लास नया, नए गगन को छू लेने का मन में हो विश्वास नया। तो हम गगन को छुएं, नई उमंगे लाएं और मन में जो है एक पक्का विश्वास हो कि हमने अपनी जिंदगी को कामयाब करना है। इसी के साथ ही हम आपसे आज विदा लेते एक हैं। बस मैडम एक तो चीज मैं में आपसे अभी मैंने आपसे मैम लेना है कि आप जो हमारे रंग एफएम के सुनने वालों को नए साल में क्या संदेश देना चाहेंगी, मैं उससे लिए आपकी गुजारिश करूंगी। हाँ बस ये जो परमा मॉडल है पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक भावनाएं एंगेजमेंट ऐसी कोई आपकी हॉबी जिसमें आप इतने व्यस्त हो जाएं कि समय ही ना पता चले और रिलेशनशिप्स के ऊपर ध्यान दीजिए उनको संबंधों को अच्छा बनाइए एंड मैनेज व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ डोंट रन आफ्टर मनी यू कांट बाय इवन एन योट ऑफ हैप्पीनेस खुशी का इतना भी इतनी खुशी भी नहीं खरीद पाएंगे थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा पर वो थोड़ी देर ही होगा और जिंदगी हमने तो पूरी बितानी है और अपने अचीवमेंट्स को और अपने अचीवमेंट्स को लिखिए और एक यही अगर आप इस मॉडल को फॉलो करने का एक यही रेजोल्यूशन बना देना तो आप देखेंगे वो जो हम बोलते हैं ना कि रेजोल्यूशंस आर मेड टू बी ब्रोकन वो जो महीने के अंत तक जाके टूटती हैं चीजें ये एक रेजोल्यूशन से दूसरी रेजोल्यूशन पे भी कितना फर्क पड़ेगा वो भी आप कितना पा सकेंगे इस मॉडल को अपना के आप जरूर देखना और किसी किसी टॉक में आफ्टर 6 months अपना फीडबैक भी देना कि हाँ कितना हेल्प किया है ये मॉडल आपको बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने
हमारे श्रोताओं को बहुत सी अच्छी बातें बताई हैं। आशा करूंगी कि सभी की लाइफ में आपके इस मॉडल को अपनाने से खुशियां आए, और यही कहूंगी नया साल में अपने दर्शकों से कि दूर रहे सदा गम की परछाइयों से, सामना ना हो कभी भी आपका तन्हाइयों से, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है दिल की गहराइयों से, यही दुआ है दिल की गहराइयों से। क्या बात है, नया साल सबको मुबारक हो, बहुत बहुत खुशियों भरा हो, मंगलमय हो, इसी दुआ के साथ विदा लेते हैं आपसे। रंग एफएम परिवार की ओर से आप सबको नए साल की ढेरों बधाई। शुक्रिया। थैंक यू। आ गया जी आ गया, छा गया जी छा गया, आ गया जी आ गया, छा गया जी छा गया। सब कुछ नवा नवा है, नवी सोच ते नवा समा है। सब कुछ नवा नवा है, नवी सोच ते नवा समा है। थोड़े संग एफएम, ए रंग एफएम। तुसी सुन रहे हो रंग एफएम।